हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 21 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट न्यूज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आज न्यूज आई है वो आई है नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे को लेके। तो इसके बारे में दो चार जो फैक्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए कि नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे क्या है, क्यों यह सेलिब्रेट है, वो क्या जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हर साल 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे है वो आयोजित किया जाता है। तो ये चीज हमें एक ध्यान है वो रखनी है। अब नेशनल मंडेला है कौन, इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखो, यह एक्चुअली आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे जो पहले, अभी इनकी सोवियत एनिवर्सरी है, उस मौके पे भी न्यूज है, वो आजकल डेली इसके बारे में चर्चा वगैरह आ रही है। तो इनका जो अहम रोल था वो रहता है एक तो आदमी के साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए। और साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा हम जानते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे, वहां पे काफी उनका अहम योगदान भी रहा था। और इसीलिए देखा जाए तो वहां पे रंग भेद की जो नीति थी उसका भी नेशनल मंडेला ने काफी पुरजोर विरोध है वो किया था। तो जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो गोरे और कालों के बीच में जो भेद किया जाता था उसका भी उन्होंने पुरजोर से विरोध वहां पर किया था। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेसी स्थापित की थी, उस दौरान भी इनका काफी अहम योगदान है वो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं जिस तरीके से हमारी आज़ादी के अंदर गांधी जी का योगदान था, उसी तरह का वहाँ साउथ अफ्रीका में गांधी जी की तरफ भी देखा जाए तो वो वहाँ पे सारा योगदान रहा था, वो था नेशनल मंडेला का। तो इसके बारे में कंटेक्स्ट बेसिकली ये है। अब देखो, बात करें कि इंटरनेशनल डे है क्यों सेलिब्रेट वगैरह किया जाता है। नेशनल मंडेला एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा बेसिकली इस इवेंट की स्टार्टिंग है वो की गई थी। देखो हुआ क्या था, जब इनका 91 बर्थडे था 2009 में, उस दौरान एक्चुअली वॉलंटरी जो पार्टिसिपेशन है, जो कम्युनिटी की सर्विस है, उनको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली इंटरनेशनल मंडेला डे है वो आयोजित है वो किया गया था। इसके बाद में जो अहम एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो रखनी है कि यूएन के द्वारा इसको अनुमति है, यूएन ने इसको सपोर्ट है वो किया है। तो मतलब यूएन ने 2009 में इसको डिक्लेयर कर दिया था ऑफिशियली ऑल ओवर वर्ल्ड में कि भाई हर साल 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे वो सेलिब्रेट है वो किया जाएगा। तो एक ग्लोबल डे है ऑनरिंग मंडेला के लिए, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट हमारे लिए हो जाता है। बाकी देखो, इसमें और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है प्रीलिम्स के नज़रिए से, कि उन मेंस के नज़रिए से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि उनकी जो थीसिस वगैरह थी क्या वो आज के टाइम पे रिलेवेंट वगैरह है नहीं है, तो वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलते हैं अब हम अगली डिस्कशन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो आई है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि भाई नीति आयोग है उसने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए काफी सारे 20 स्टेप रिसेंटली वो उठाए हैं, तो उसके बारे में भी कंटेक्स्ट वो आया है। तो उसके बारे में दो चार फैक्ट्स हम डालते हैं। सबसे पहली बात यह कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है वो नीति आयोग का है, एक तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है वो हो गई है। अब भाई बनाया क्यों गया था ये प्लेटफॉर्म इंडिया में इसलिए बनाया गया था ताकि इंडिया में ऑल ओवर जो इंडिया में वुमेन है उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा इम्प्लॉयमेंट के लिए आप बोल सकते हो या फिर उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट करने के लिए। मतलब देखो हो क्या रहा है, एक बार थोड़ा आप बैकग्राउंड की तरफ जाके फिर समझते हैं। आज के टाइम पे, आज से अगर पहले के टाइम पे देखा जाए तो वुमेन केवल घरों में ही काम करती थी, बट आज के टाइम पे आपको पता है कि वुमेन है ऑफिस में बाहर काफ़ी ज़्यादा काम हो करने लगे हैं। तो मतलब वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है हमारी इकोनॉमी में आप बोल सकते हो, या फिर जो उनका बिजनेस सेक्टर में जो पार्टिसिपेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करवाने के लिए प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया गया था, ताकि हमारे देश में वुमेन है उनको भी एक माहौल मिले, एक इकोसिस्टम उनके लिए तैयार हो ताकि वो अच्छे अच्छे काम कर सकें। इसके साथ ही उनको इनोवेशन के लिए सपोर्ट है यहाँ पे किया जाता है, उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं वो उनके साथ शेयर की जाती हैं, बिजनेस कैसे करना है उसके बारे में उनको एक्टिविटीज़ वगैरह वो बताई जाती हैं। मतलब वुमेन है उनको इंडिया के अंदर बिजनेस अच्छे से किया जाए इसके बारे में उनको अवेयर है वो किया जाता है, इससे उनको ऑफिशियली सपोर्ट भी है वो किया जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, उनकी स्ट्रेटजी वगैरह वो यहाँ पे शेयर है वो की जाती हैं। अब बात करें आगे इसमें और क्या क्या होगा, इसमें देखो होगा ये कि जो इंडस्ट्री है इंडिया की या भागी अदर इंडस्ट्री है वो क्या करेंगी, गवर्नमेंट के साथ कोलाबरेट करेंगी, गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करेंगी, और जो डिफरेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ मिलकर बेसिकली काम हो करेंगी। मतलब पीयर टू पीयर कनेक्टिंग का जो मेथड है उसको यूज़ है यहाँ पे किया जाएगा, ताकि वुमेन के लिए माहौल अच्छा बना रहे और वुमेन एम्पावरमेंट का ढंग से यूज़ है वो यहाँ पे किया जा सके। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वुमेन की ग्रोथ होगी तो हमारे देश की ग्रोथ में और चार चांद है वो लग जाएंगे, इसीलिए ग्रोथ ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है उसकी स्टार्टिंग है वो की थी। तो इसके बारे में बेसिकली कॉन्टेक्स्ट वगैरह थी जो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वो हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है फेयर एंड रिमोरेटिव प्राइस को लेके। तो है क्या है वो देख लेते हैं कंटेक्स्ट वगैरह। देखो कंटेक्स्ट ये है कि अभी गवर्नमेंट ने फेयर एंड रिमोरेटिव जो प्राइसेस हैं वो अभी डिक्लेयर हैं वो कर दिए।
तो अभी जो प्राइस है वो डिक्लेयर की गई है कि एक क्विंटल की 275 रुपये है क्या। थोड़ा वो बैकग्राउंड के साथ इस चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस है वो करते हैं। देखो जिस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, फसलों के लिए जो खरीफ या रबी की जो फसल होती है उनके लिए मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है वो जारी करती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है गन्ने के लिए वो MSP की जगह ही दूसरा नाम उसका होता है फेयर एंड रिमोलेटिव प्राइस। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि MSP है वो गवर्नमेंट डिसाइड करके देती है, फिर गवर्नमेंट उस रेट पर खरीदती है। बट जैसे आप जानते हो कि शुगर इंडस्ट्री होती है वो एक्चुअली गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती है, तो गवर्नमेंट है वो गन्ने को खरीदी क्या करेगी, इसलिए गवर्नमेंट है वो एक फेयर एंड रिमोलेटिव प्राइस डिक्लेयर करती है कि भाई इस रेट से कम गन्ना है वो नहीं खरीदा जाएगा। इसके साथ गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी दे देती है, ये बेसिकली यहाँ पे फीचर्स वगैरह किए जाते हैं। देखो होता क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे देती है वो हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये मान लो कोई भी एक शुगर इंडस्ट्री है, इस शुगर इंडस्ट्री को गन्ने की जरूरत है तो ये क्या करेगी, किसानों से गन्ना तो ले लेगी। अब भाई अगर शुगर इंडस्ट्री को भी गन्ना महंगा पड़ेगा तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए क्या करती है शुगर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट थोड़ी सब्सिडी दे देती है कि भाई ठीक है आप किसानों से गन्ना जैसे 275 रुपये पर क्विंटल खरीद लो, हम आपको 20 रुपये दे रहे हैं, मतलब आपको जो लागत पड़ेगी आपको वो पड़ेगी 255 रुपये। इस तरीके से गवर्नमेंट इनको सब्सिडी वगैरह वो प्रोवाइड करवाती है, और इसीलिए गवर्नमेंट है वो गन्ने के लिए MSP की जगह फेयर एंड रिमोलेटिव जो प्राइस है वो डिक्लेयर है वो करती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि फेयर एंड रिमोलेटिव जो प्राइस है 2018-19 के लिए गन्ने के लिए वो भी डिक्लेयर हो की गई है। जिस तरीके से देखो MSP होती है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होती है, उसमें क्या होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस में ये होता है कि जब भी फसल की बुआई होती है उससे पहले डिक्लेयर कर दी जाती है ताकि भाई किसान आराम से सुनिश्चित कर लें कि यार इस बार हम इस चीज़ को बोएं या ना बोएं। तो इसी तरीके से अभी गन्ने लोग बोने वाले हैं उससे पहले गवर्नमेंट ने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है कि भाई देखो गन्ने की जो प्राइस है यहाँ पे वो इस तरीके से रहने वाली है, एक क्विंटल का 275 रुपये यहाँ पे डिसाइड है वो किए गए हैं। अब देखो MSP वगैरह ये किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, बेसिकली इनका जो फाइनल जो आप बोल सकते हो अथॉरिटी होती है वो होती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। तो यहाँ पे भी जो फेयर एंड रिमोलेटिव जो प्राइस है वो एक्चुअली कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अनुमति इसको दे दी गई है, तो ये फैक्ट में यहाँ पे ध्यान है वो रखना है। अब बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की शुगर इंडस्ट्री के सेक्टर में, तो इंडिया की जो शुगर इंडस्ट्री है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में शुगर इंडस्ट्री में आता है ब्राजील, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा प्यारा इंडिया। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेयर एंड रिमोलेटिव जो प्राइस है वो डिक्लेयर कर दी। अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की, अब देखो स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या कर सकती है, या तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेट बताई है उस रेट पे चीजों को खरीदवा के मेन काम है वो मैनेज कर ले, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन और होता है। तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो खुद की एक अपनी लिस्ट है वो जारी करती है जिसका नाम होता है स्टेट एडवाइजरी प्राइस। मतलब जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गन्ने के लिए फेयर एंड रिमोलेटिव प्राइस डिक्लेयर करती है, उसी तरीके से स्टेट हैं सभी स्टेट वो अपने अपने एरिया के अंदर स्टेट एडवाइजरी प्राइस है वो डिक्लेयर करते हैं गन्ने के लिए। और जो स्टेट एडवाइजरी प्राइस होती है वो एक्चुअली फेयर एंड रिमोलेटिव प्राइस से थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी फेयर एंड रिमोलेटिव प्राइस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 275 रुपये पर क्विंटल डिक्लेयर किए, तो उसी तरीके से अगर सभी स्टेट है वो अगर अपनी अपनी अलग अलग ओबियसली डिक्लेयर करने वाले हैं तो कुछ स्टेट हो सकता है कि 280 कर देंगे, कुछ हो सकता है 300 कर देंगे, कुछ 305, ऐसे क्या है मतलब इससे बढ़ा के करते हैं ताकि ऐसा लगे कि यार हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेप उठा रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है कि भाई स्टेट भी यहाँ पे एक अलग लिस्ट वगैरह जारी है वो करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज है वह ये समग्र शिक्षा अभियान को लेकर, समग्र शिक्षा स्कीम को लेकर, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो ये जो स्कीम है समग्र शिक्षा स्कीम, ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने 2018-19 का जो बजट था इसी साल का उसमें एक्चुअली इसके बारे में प्रावधान है वो क्या था। ऑब्वियसली एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम लग रही है तो HRD मिनिस्ट्री की स्कीम होगी, नो डाउट यहाँ पे चीज क्लियर हो गई है। कंटेक्स्ट अभी ये है कि गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा जो स्कीम है इसके तहत पढ़े भारत बढ़े भारत कैंपेन या प्रोग्राम है वो चला है, तो उसको लेके भी न्यूज है वो आई है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत पढ़े भारत बढ़े भारत कैंपेन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। इसमें होगा क्या, इसमें गवर्नमेंट जो ईयरली ग्रांट है वो देगी, आप बोल सकते हो कि लाइब्रेरी के लिए, मतलब स्कूलों के अंदर जो लाइब्रेरी होती है उसके लिए वार्षिक अनुदान है ग्रांट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि बच्चे हैं वो आराम से स्किल वगैरह लर्निंग वगैरह इसके लिए वो उनकी इंप्रूव हो। इसके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा बजट है वो दिया जाएगा लगभग 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का बजट है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लाइब्रेरी वगैरह होती है स्कूल के अंदर उन लाइब्रेरी के लिए ग्रांट है पैसा वो दिया जाएगा ताकि लर्निंग स्किल बढ़े, ऑब्वियसली बुक्स वगैरह होंगी तो बच्चे और ज्यादा ढंग से स्टडी वगैरह कर पाएंगे। तो 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की हेल्प है ग्रांट है वो यहाँ पे दी जाएगी, ये भी कंटेक्स्ट है। अब चलते हैं हम आगे देखते हैं हम समग्र शिक्षा स्कीम की तरफ भी चलते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान क्या है। देखो तो समग्र शिक्षा जो अभियान या समग्र शिक्षा जो स्कीम है वो एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी
क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए और एजुकेशन की जो भी बेसिक कमियां रह गई हैं उनको दूर हो किया जा सके। वैसे तो देखो बात की जाए तो गवर्नमेंट की पहले से भी काफी सारी स्कीम आ गई थी ऑल ओवर इंडिया की बात की तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान की बात कर सकते हैं या फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं या फिर टीचर्स एजुकेशन जैसी स्कीम है इनकी बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसी तर्ज पर गवर्नमेंट ने सोचा कि इन स्कीमों में जो जो कमियां हो गई हैं उनको दूर किया जाए और एक तरीके से एक नई स्कीम बनाई जाए जिसमें काफी बेनिफिट क्या हुआ है, इसमें सारी स्कीमों के गुण है वो यहाँ पे मिले होंगे और ये जो स्कीम है तीनों स्कीम इनके ऊपर भी थोड़ा बर्डन है वो कम हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट लाई गई थी समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा स्कीम। इस समग्र शिक्षा स्कीम में होगा क्या, गवर्नमेंट जो प्राइमरी स्कूल है और जो सेकेंडरी स्कूल है इसको आपस में कनेक्ट करके रखेगी। देखो अभी क्या होता है, बच्चे फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं फिर फिफ्थ क्लास में क्या होता है उनके आसपास कोई बड़ी स्कूल नहीं होते तो बच्चे वहाँ पे पढ़ नहीं पाते हैं तो वो ड्रॉप आउट हो जाता है या फिर बच्चे आठवीं क्लास बाद स्कूल छोड़ देते हैं या फिर बच्चे टेंथ क्लास बाद स्कूल है वो छोड़ देते हैं, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्कूलों को ही कनेक्ट कर दिया कि हाँ भाई ठीक है इस स्कूल से ये स्कूल कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, तो मतलब बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक लगातार एक स्कूल में पढ़ता रहेगा, उसको वहाँ पे दिक्कत वगैरह नहीं होगी। तो स्कूलों को कनेक्ट यहाँ पे बेसिकली वो किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मतलब स्कूल के अंदर बच्चे को ऐसा माहौल वगैरह मिलेगा, इसके साथ उसको लेवल वगैरह का भी इशू नहीं होगा कि यार मेरी प्राइमरी एजुकेशन हो गई या मुझे कहाँ जाना वगैरह, ऐसा कोई भी इशू वगैरह उनको नहीं रहेगा। प्री स्कूल प्राइमरी स्कूल की आप बात कर सकते हो, अपर प्राइमरी स्कूल की बात कर सकते हो, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सबको एक साथ करके कंटिन्यू है वो यहाँ पे रखा गया है ताकि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन है वो मुहैया करवाई जा सके। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही गवर्नमेंट कुछ अहम स्टेप वो उठा रही है, जैसे कि स्कूल का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रही है, बात ये की जा रही है जेंडर जो इक्वलिटी है उसके ऊपर फोकस है वो किया जा रहा है, देखा जाए तो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट है स्कूल वगैरह को वो भी यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड है वो किया जा रहा है। इसके साथ अहम बात करें हम डिजिटल इंडिया अभियान की तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट को चार चांद लगाने के लिए यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। इसके साथ देखा जाए तो जो वोकेशनल एजुकेशन है उस पर फोकस किया जा रहा है। देखो वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि वो एजुकेशन जिसके द्वारा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्किल वगैरह दी जा रही हो या फिर वो उस वोकेशनल एजुकेशन को प्राप्त करके क्या होता है बच्चा कहीं भी छोटी मोटी जॉब है वो अरेंज कर सकता है। बेसिकली जैसे ट्वेल्थ क्लास के टाइम पे क्या है ट्वेल्थ क्लास होती है उस टाइम की लगभग एजुकेशन है वो दी जाती है, एक तरीके से आप उसको थोड़ा ट्रेनिंग टाइप की एजुकेशन होती है जिससे क्या होता है कि बच्चा किसी सेक्टर वगैरह में जाके अपना जॉब वगैरह भी कर सकता है, मतलब कहीं ना उसको छोटी मोटी जॉब का अरेंजमेंट कर सकता है। इसके साथ ही स्कूल को टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग वगैरह जैसी फैसिलिटी है गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, बहुत से अभियान चले जा रहे हैं ताकि स्कूलों की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये था बेसिक कंटेक्स्ट और जो न्यूज थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कवर है वो किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आ जाए वो है गंगा वृक्षारोपण अभियान के बारे में, तो देखते हैं गंगा वृक्षारोपण अभियान है वो अभी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च है वो किया गया है, तो इसमें कुछ जो फैक्ट्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था और इसके तहत ये प्रावधान था कि भाई गंगा को हमें क्लीन है वो करना है। तो बेसिकली बात करें तो गंगा इंडिया के पांच स्टेट में फ्लो करती है, उत्तराखंड यूपी बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन पांचों स्टेट के अंदर क्या है कि गंगा का काफी बड़ा आप बोल सकते हो कि काफी बड़ा एरिया है और उस एरिया के अंदर देखा जाए तो काफी पोल्यूशन ज्यादा हो रखा है। तो उस पोल्यूशन को कवर करने के लिए गंगा को साफ करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा मिशन आया था नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। अब देखो बात की जा रही है कि भाई गंगा को क्लीन करना है तो इसके साथ साथ अगर आसपास के एरिया में पेड़ पौधे लगाए तो और भी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं वो पानी को कहीं ना कहीं साफ करने का भी एक तरीके बेसिक नेचुरल पानी को साफ करने का फोकस भी करते हैं क्योंकि वो कहें गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी वहां पे गंदगी वगैरह होती है टीसी। तो इसीलिए गंगा वृक्षारोपण अभियान है वो चलाया गया है ताकि जो पांच स्टेट है इनके अंदर फॉरेस्ट है उसको डेवलप किया जा सके गंगा के आसपास वाले एरिया में क्योंकि अभी बारिश का सीजन है वो चल रहा है। अब यहाँ पे अहम बात ये ध्यान रखनी है कि हर स्टेट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे वो ये जो नेशनल मिशन और क्लीन गंगा है इसके साथ कोलैबोरेट करने वाला है, जैसे कि यूपी का हुआ उत्तराखंड का सब स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली नेशनल मिशन और क्लीन गंगा है इसके साथ कोलैबोरेट करेंगे और वहाँ पे फॉरेस्ट को इम्प्रूव है वो करने वाले हैं। इसके बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो लोगों को हेल्दी फॉरेस्ट है वो यहाँ पे मिलेंगे, इसके साथ ही फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी है वो बढ़ेगी और गंगा है वो भी क्लीन होगी, सेल्फ क्लीन का फोकस यहाँ पे किया जाएगा, इसके साथ ही फॉरेस्ट कवरेज देखा जाए तो इंडिया में वो भी बढ़ेगा। तो काफी बेनिफिट्स के हमें मिलने वाले हैं, लोगों को फ्री में अच्छी ऑक्सीजन है वो ज्यादा मिलेगी। अब बात करें आगे, देखो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट और आता है, वो आता है नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था
ताकि गंगा को बेसिकली क्लीन हो किया जा सके। और इसके तहत हम बात की जाए उसका एक कंपोनेंट था जिसका नाम था फॉरेस्ट इंटरवेंशन। ये आपको ध्यान रखना है कि नमामि गंगे एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसके तहत फॉरेस्ट इंटरवेंशन है, उसके तहत गंगा को यहाँ पे सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें ध्यान आपको यहाँ पे रखनी है। और जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसको डेवलप करने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक एजेंसी भी बनाई गई थी, एक काउंसिल भी बनाई गई थी जिसका नाम है नेशनल गंगा काउंसिल। तो नेशनल गंगा जो काउंसिल है इसके चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री साहब होते हैं। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। इनके द्वारा मिशन चलाए गए थे काफी सारे, गंगा रिजुविनेशन मतलब गंगा को एकदम साफ रखना है, इसके लिए क्लीन गंगा प्रोग्राम चलाए गए थे। गवर्नमेंट ने अलग से बजट वगैरह वो भी प्रोवाइड है वो करवाया था। इसके साथ ही स्टेट गंगा कमेटी वो बनाई गई थी ताकि हर स्टेट है वो अपने अपने एरिया में ज्यादा ढंग से फोकस है वो कर सके। देखो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है बट स्टेट का कोलैबोरेशन बहुत अहम हो जाता है, इसीलिए सभी स्टेट को यहाँ पे साथ लेके चला जा रहा है ताकि गंगा को जल्द से जल्द क्लीन है वो किया जा सके। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आज का आर्टिकल आया है वह है पिच ब्लैक एक्सरसाइज के बारे में, तो देख लेते हैं। कंटेक्स्ट यह है कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2018 है उसमें इंडिया ने अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट है वो किया है। और अहम बात यह है कि इंडिया की जो एयरफोर्स है उसने पहली बार इसमें पार्टिसिपेशन किया है, तो ये इसलिए अहम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में बेसिकली होती है। तो देखो ये 2 साल में एक बार होती है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। और ये बेसिकली होस्ट की जाती है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। 1981 से इसको स्टार्ट है वो किया गया था। तो अभी इस साल का जो एडिशन है 2018 का उसके अंदर इंडिया ने पहली बार इसमें देखा जाए तो पार्टिसिपेशन हो गया, मतलब 1981 के बाद देखा जाए तो इंडिया ने इसी बार 2018 के अंदर पिच ब्लैक एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेशन किया। तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बात तो किसकी है, तो भाई ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है 1981 में उसके द्वारा स्टार्ट है वो की गई थी। पहली बात तो ये 2 साल में एक बार होती है। इसके बाद ये है कि इंडिया ने इसको पहली बार 2018 के अंदर एक्चुअली इसमें पार्टिसिपेशन है वो किया है। इससे इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो क्वालिटी आप बोल सकते हो वो इम्प्रूव होगी, उनमें जो बेसिक कमी है आपस में स्किल है वो एक्सचेंज होंगी, तो बहुत सा कुछ नॉलेज है शेयरिंग वगैरह यहाँ पे होने वाला है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बात करें तो यह मल्टीनेशनल लॉज फोर्स वार फोर्स एक्सरसाइज है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके लिए हो जाता है। अब बात की, एक तो यूपीएससी ऐसे पूछ लेगी इसके बारे में कि इंडिया की एक्सरसाइज वगैरह, भाई इंडिया की नहीं है, इंडिया ने केवल इसमें पहली बार पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया है, कंफ्यूज होने की हमें यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है दिल्ली डायलॉग के लेके। कंटेक्स्ट यह है कि दिल्ली डायलॉग का जो 10th एडिशन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा अभी होस्ट है वो किया गया था। अब हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बनता है कि भाई दिल्ली डायलॉग है क्या और किस लिए है। तो देखो दिल्ली डायलॉग की एक तो हम पहले देखेंगे इस बार की थीम देख लेते हैं। इस बार 2018 की जो थीम है वो है स्ट्रेंथिंग इंडिया आसियान मेरीटाइम कोऑपरेशन। तो इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई इंडिया और आसियान को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है वो चल रही है, मतलब इंडिया आसियान को लेकर कुछ ना कुछ बात यहाँ पे है। तो देखो दिल्ली डायलॉग है वो आपको यही ध्यान रखना है कि इंडिया और आसियान को लेके है। अब इंडिया और आसियान के बीच में पॉलिटिकल रिलेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक रिलेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए, सोशल और जो कल्चर रिलेशन है एंगेजमेंट है उनको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली है, मतलब एनुअल इवेंट है, हर साल बेसिकली होस्ट है वो किया जाता है, आयोजित है वो किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान है वो रखना है। अब बात करें आसियान कंट्रीज की, कौन कौन सी आसियान कंट्रीज हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि देखो इंडिया आसियान का मेंबर तो नहीं है बट इंडिया आसियान प्लस 6 का मेंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया आसियान प्लस 3 का भी नहीं है, ओनली और इंडिया आसियान प्लस 6 का यहाँ पे मेंबर है वो हो जाता है। तो हमें हमारी आसियान कंट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे लिए यहाँ पे बन जाता है, और आसियान प्लस 6 के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखो आसियान कंट्रीज की बात करें तो 10 कंट्रीज आती हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है वो, तो हम हमारे पड़ोसी देश से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पड़ोसी देश होगा म्यांमार। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के बाद देखेंगे यहाँ पे लाओस होगा जो कि कम्प्लीटली लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद में यहाँ पे वियतनाम हो गया, और वियतनाम के बाद यहाँ साइड में देखा जो छोटी सी कंट्री है वो यहाँ पे आ गई कंबोडिया। कंबोडिया के जब नीचे की साइड हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आ गई कंट्री मलेशिया, और मलेशिया के जस्ट नीचे की साइड एकदम छोटी सी एक कंट्री है जिसका नाम है सिंगापुर। ये यहाँ पे हो गया सिंगापुर। सिंगापुर के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इंडोनेशिया, जावा सुमात्रा जो आइलैंड वगैरह वो आ गए, तो इंडोनेशिया यहाँ पे हो गया। इसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आ गया फिलीपींस, जो कि एक्चुअली साउथ चाइना सी है उसके जस्ट पास में यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे ब्रुनेई, तो ब्रुनेई की लोकेशन यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो ये 10 कंट्रीज हैं वो आसियान के मेंबर हैं। अब आपको ध्यान से ये सुनना है कि आसियान प्लस 3 में कौन सी आती हैं और आसियान प्लस 6 में कौन सी आती हैं। आसियान प्लस 3 की बात करें तो 3 के अंदर एक तो आप चाइना ऐड कर देना, चाइना के साथ आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया के साथ आप कर देना जापान। ये आप देखो ध्यान रखना है आसियान प्लस 3 में। और आसियान प्लस 6 की बात है तो नीचे 3 कंट्री कर लेना,
इंडिया कर लेना, इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ आपको करना है न्यूजीलैंड। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। प्लस थ्री है, इसका मतलब पहले ऊपर तीन वाली कंट्री ऐड कर लेना, चाइना हुआ, साउथ कोरिया हुआ, और यहाँ पे जापान, उन्होंने ऊपर तीन वाली कंट्रीज को ऐड कर लेना। इसके बाद आसियान प्लस सिक्स की बात हो तो उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो नीचे वाली तीनों कंट्रीज है उनको ऐड कर लेना। तो इस तरीके से आप इनको आसियान प्लस सिक्स को याद है वो रख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।